टारगेट किया जा रहा है पिछले साल से हम देख रहे हैं तमाम तरह की रेट्स हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे वहाँ पर 130,000 की चरस और गांजा कुछ एक जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 130,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो अब पाँचवें छठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ नहीं आने देंगे। अरे जहाज़ नहीं आने तो क्यों रखा, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आपको लगता है कि शाहरुख खान, आयरन खान को टारगेट? आप जो है एक काम कीजिए, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ मगर मगर इस वक्त आप कर रहे हैं वो काम जो मना कर रहे हैं। आइए और बोलिए। चलिए बस ये कह रही थी कि हम आप बिल्कुल बेफिक्र पता है इनका। ठीक है, हम इनके जानते हैं। But we are also seeing in our neighboring countries there are certain changes that come which is not looking good, especially with the Hindu minorities in Bangladesh. What would you have to say to that, sir? Are you concerned with the situation in Bangladesh? Well, I am concerned with in every wherever there is injustice and there is repression of minorities anywhere, including our own country. And Bangladesh is a shame. They are creating a very bad example because one takes for granted that Hasina Sheikh is a liberal. यहाँ तो खैर ठीक है मोदी जी हैं, फिर भी समझ में आता है कि क्यों हो रहा है सर। लेकिन वहाँ तो भाई हसीना शेख तो बड़ी डिसेंट कहलाती थी, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। और चाहिए कुछ? देखिए आपको आपको एक बात बताऊँगा, एक बात बताऊँ, जिस टॉपिक हम हैं उस पर बात कीजिए, आपको उस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिंदू दुनिया की आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं एंड दे आर ट्रीटेड लाइक वन ऑफ द वर्स्ट माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड और आपका एक सवाल उस पर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ कितनी दुनिया बदली है। एक मुशीरुल हसन वॉज very respected historian, you would know, he has written a book about the kasbas of Awadh. Usme unhone ek incident meri mother ka likha hai. My mother family was from a place called Lucknow, which is Rudauli, which is 100 miles away from Lucknow. To rehte wo log Lucknow mein the, unki zamindari wo rahe. She was the first girl of that district who graduated. तो शहर में रहते थे तो हमारे कुछ रिलेटिव आए तो उन्हें ये तो मालूम था कि भाई ये लोग सिविल लाइन्स में रहते हैं, लेकिन उनका घर कहाँ है ये नहीं मालूम था। आई डिड नॉट नो दिस, आई रेड इट इन मुशीरुल हसन बुक। तो जो लोग आ रहे थे उन्होंने पूछा भाई साहब उनका घर कहाँ है जिनकी बेटी ने बीए किया है, तो लोगों ने बता दिया। तो कैन यू इमेजिन हाउ फार वी हैव कम। ये इंटरेस्टिंग नहीं ना? इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।